गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं राजेश आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी के प्लस चैनल में तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स तो आज का पहला क्वेश्चन है नौसेना संचालन के महानिदेश कौन नियुक्त हुए हैं आज का क्वेश्चन है नौसेना संचालन के महानिदेश कौन नियुक्त हुए हैं तो इसका सही आंसर है दोस्तों दिनेश के त्रिपाठी इसका सही आंसर है दिनेश के त्रिपाठी तो चलिए आज बात करते हैं नौसेना के बारे में कुछ भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है नौसेना दिवस चार दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना का अध्यक्ष अभी एडमिरल करमवीर सिंह है नौसेना का अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह है अब कुछ अन्य सेना की बात करते हैं अभी उपसेना प्रमुख एस के सैनी हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी वीपी रावत हैं वर्तमान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपित रावत हैं वायुसेना का अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया जी हैं वायुसेना का अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया हैं और भारत तटरक्षक बल के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन हैं भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन हैं और वर्तमान के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह हैं कौन है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह हैं भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक अरुण कुमार हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्यक्ष राजेश रंजन हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्यक्ष राजेश रंजन है और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अध्यक्ष केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अध्यक्ष आनंद प्रकाश महेश्वरी हैं कौन है दोस्तों आनंद प्रकाश महेश्वरी और सबसे इम्पोर्टेंट सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र हैं कौन है दोस्तों कुमार राजेश चंद्र तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर किस बैंक ने सौरज के जी कार्ड लॉन्च किया है और इसका सही आंसर होगा दोस्त एच डी एफ सी बैंक ने एच डी एफ सी बैंक ने के जी सी कार्ड लॉन्च किया है सौरज के जी सी कार्ड सशस्त्र बलों के लिए लॉन्च किया गया है इस कार्ड के इस्तेमाल से कृषि कार्ड से जुड़ी जरूरतें एवं फाइनेंस की सुविधा प्राप्त करना है अब कुछ एच एच बैंक के बारे में जानते हैं दोस्तों एच बैंक का स्थापना अगस्त उन्नीस सौ चौरानवे ईस्वी में हुआ था इसका मुख्यालय मुंबई में है अध्यक्ष सी एम वासुदेव हैं प्रबंधक निदेशक आदित्य पुरी हैं इस बैंक का एम डी एन सी ओ शशिधर जगदीशन हैं दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब जब भी स्टडी करने बैठें तो कॉपी और कलम लेकर बैठे बैठें क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट बताने जा रहे हैं जिससे आपके आगामी परीक्षा में एक भी करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे सिर्फ आप नोट कीजिए और उसको एक बार रिवाइज कीजिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस स्मार्टफोन कंपनी भारतीय बच्चों को 2500 से अधिक फ़ोन देगी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार ठीक से सुनिएगा हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारतीय बच्चों को पच्चीस सौ से अधिक स्मार्टफोन देगी तो इसका सही आंसर है दोस्त सौमी और यह भारतीय गैर सरकारी संगठन टच फॉर इंडिया के साथ साझेदारी भी करेगी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं किस देश के क्लीन फॉर प्लेट पैकेज टू पॉइंट जीरो नामक अभियान शुरू किया गया है और इसका सही आंसर होगा चीन आइए जानते हैं इस अभियान के बारे में कुछ इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनता के भोजन को बर्बाद करने से रोकना है एवं अधिकारियों की असाधारण दावतों एवं स्वागतों को समाप्त करना है बहुत अच्छी बात है चलिए चीन के बारे में कुछ जानते हैं चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है चीन की राजधानी बीचिंग है चीन की करेंसी रेन बी है यहाँ का राष्ट्रपति सी जिनपिंग है और और सबसे बड़ी बात चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम मैक मोहन रेखा रखा गया है चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम मैक मोहन रखा गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है और चीन की सबसे लंबी नदी योगी नदी है जो एशिया का सबसे लंबी नदी है इसकी लंबाई लगभग तिरसठ सौ किलोमीटर है आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हाल ही में किस शहर में कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की गई है ठीक से सुनिएगा मेरे दोस्त हाल ही में किस शहर में कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की गई है और इसका सही आंसर हैदराबाद है आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ करोना की अब तक की सबसे सस्ती दवा फेमिलो लॉन्च की गई है जो एक जेनरिक फार्मा कंपनी है एम एस एन ग्रो इससे पच्चीस एम एस एन ग्रो एम एस एन ग्रो दो सौ एम जी की फेमिलो टैबलेट लॉन्च की गई है और इसका मूल मात्र तैतीस रुपये और ख़ास बात यह है दोस्तों कि सोशल डिस्टेंस से बेटर और सस्ती दवा कोई हो ही नहीं सकता अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हाल ही में कोविड टेस्ट कराने में कौन सा राज्य नंबर वन बन गया है हाल ही में कोविड टेस्ट कराने में कौन सा राज्य नंबर वन बन गया है और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है दोस्त उत्तर प्रदेश और सबसे बड़ी बात यह है अब तक उत्तर प्रदेश में छत्तीस लाख करोना वायरस का टेस्ट हो चुका है और अभी पर डे करोना वायरस का टेस्ट उत्तर प्रदेश में एक लाख लगभग हो रहा है और इस तरह से भारत में कोरोना टेस्ट कराने के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर पहुंच गया है लेकिन कोविड नाइन्टीन के प्रबंधन में राजस्थान टॉप पर है कोविड नाइन्टीन के प्रबंधन में राजस्थान टॉप पर है और टेस्ट के मामले में उत्तर प्रदेश आइए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानते हैं यहाँ का कैपिटल लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे है यहाँ का सीएम एम योगी आदित्यनाथ है राजकीय पशु बारा सिंगा है राजकीय पक्षी सरसिया अक्रोच राष्ट्रीय फूल पलास वृक्ष अशोक का वृक्ष है उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू की गई है जो श्रमिकों अथवा मजदूरों के बच्चों के लिए है और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश में अभी वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाले भारत का पहला राज्य भी बना और उत्तर प्रदेश में अभी आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश में अभी मनरेगा के द्वारा रोजगार देने वाला भारत का पहला राज्य भी बना मनरेगा द्वारा जितना भी रोजगार दिया गया उसका अट्ठारह परसेंट उत्तर प्रदेश में ही है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उत्तर प्रदेश में अभी एक हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है इसमें 800 किलोमीटर तक रोड के दोनों ओर हर्बल का वृक्ष लगाए जाएंगे और यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क दुतवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हाल ही में बिक्रम दुरस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है और इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश क्या होगा मेरे दोस्तों बांग्लादेश यहाँ का कैपिटल ढाका है करेंसी टाका है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है और सबसे बड़ी बात इंडिया और बांग्लादेश के बीच सम्प्रति अभ्यास होती है जो इस बार मेघालय में हुआ और बांग्लादेश में अभी मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगा दिया गया है अर्थात बांग्लादेश के सारी टेलीकॉम कंपनियां पर यह रूल अप्लाई किया गया है कि वे मुफ्त इंटरनेट सेवा ना दें चलिए यह होना भी चाहिए क्योंकि हर देश में मुकेश अंबानी नहीं होते हैं और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वस्थ और मानसिक शांति के लिए ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वस्थ और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हाल ही में किसने प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट डॉल्फिन के हाल ही में किसने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को शुरू करने की घोषणा की है हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को शुरू करने की घोषणा किसने की है इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी और इस प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नदियों में महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुरुआत किया है जिससे डॉल्फिन एवं जलीय जीव का स्थान संरक्षण किया जाएगा और अभी नरेंद्र मोदी ने एशियाई शेरों के लिए प्रोजेक्ट लायन की भी घोषणा की है आइए अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हाल ही में राधा भाटिया की किस किताब को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है हाल ही में राधा भाटिया की किस किताब को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसका सही आंसर है, है लस्सी जी हाँ लस्सी यह राधा भाटिया के द्वारा लिखा गया पुस्तक है राधा भाटिया अपने पुस्तक के जरिए आज के युवाओं नेशनल फूड से परिचित कराना चाहती है चलते हैं अब अंतिम क्वेश्चन की ओर लौरा मार्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है यह किस देश की है और इसका सही आंसर है इंग्लैंड और इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है इसकी राजधानी लंदन है इसका करेंसी दोस्त पाउंड स्टर्लिंग है ठीक है मेरे दोस्त मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ जय हिंद